चलो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही पुरानी कॉमिक्स लाया हूँ, राजकुमारी बेलपरी और झील का दानव। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। सुंदरगढ़ का राजा सुंदरदेव बहुत ही दयालु था, लेकिन उसकी रानी पद्मा महादुष्ट थी। एक दिन उसने अपने देवर कुंवरदेव को अपने कक्ष में बुलाया। प्रणाम भाभी श्री। कुंवरदेव, तुम तो जानते ही हो कि मेरे सिर में भयंकर पीड़ा रहती है, और राज वैद्य के कहे अनुसार बेलफल का शरबत पीने से ही यह बीमारी दूर होगी। यह कौन सी बड़ी बात है भाभी श्री, मैं अभी आपके लिए बेलफल लेकर हाजिर होता हूँ। अगर यह काम इतना आसान होता तो मैं तुमसे कहने की क्या जरूरत थी कुंवरदेव। मैं समझा नहीं भाभी श्री। दरअसल हमें एक विशेष पेड़ का फल चाहिए, और वह पेड़ अन्नकूट पर्वत की झील के पार उगा हुआ है। उस पेड़ में सिर्फ एक ही बेल फल लगा हुआ है, मुझे बस वही फल चाहिए। आज्ञा का पालन होगा भाभी श्री। एक बात का ख्याल रहे कुंवरदेव, तुम अपने जाने की बात किसी को नहीं बताओगे, महाराज को भी नहीं। वह क्यों भाभी श्री? क्योंकि आज तक वहां कोई नहीं पहुंच सका है, और चूंकि तुम होने वाले महाराज हो इसलिए वह तुम्हें कतई नहीं जाने देंगे। ओ, वैसे अगर तुम न जाना चाहो तो मत जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। नहीं भाभी श्री, मैं कायर नहीं हूं, मैं जरूर जाऊंगा। पद्मा की बातों में आकर कुंवरदेव उसी रात अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो, यह कांटा तो दूर हुआ, अब मेरा बेटा ही सुंदरगढ़ का राजा बनेगा। तभी, इतनी रात गए यहाँ खिड़की पर क्या कर रही हो प्रिया? वो आप, मेरे सिर में पीड़ा हो रही थी इसलिए यहाँ आग खड़ी हुई थी। वो कल मैं कुछ और अनुचर झील की ओर भेजूंगा। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज, इस काम का बीड़ा युवराज ने उठा लिया है। युवराज, क्या उसे बेलफल लाने के लिए तुमने कहा है? नहीं महाराज, भला अपने सुख के लिए मैं उन्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया कि यह कार्य तो कोई भी अनुचर कर सकता है, पर उन्होंने मेरी एक न मानी। वो यह ठीक नहीं हुआ। राजा सुंदरदेव रानी पद्मा की आदतों से अनभिज्ञ नहीं था। इस नई घटना ने उसे बुरी तरह दुखी कर दिया था। इस दुष्टा ने उसे जानबूझकर जाने के लिए उकसाया होगा। अब तो ईश्वर ही उसका रक्षक है। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? कुछ नहीं, तुम्हारी पीड़ा के बारे में सोच रहा था। कुंवरदेव भी पद्मा की चाल को अच्छी तरह समझता था। तुम्हारी यह चालाकी सफल नहीं होगी भाभी, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। चलते चलते वह खंडर महल के नजदीक पहुंच गया। उस खंडर महल के सामने एक कुटिया बनी हुई थी, लगता है वहां कोई रहता है। वह थक चुका था और उसे जोर जोर की भूख भी लगी थी, अतः उसने वही विश्राम करने का निश्चय किया। कुटिया में एक साधु धुनी रमाए बैठा था। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव पुत्र, कहो कैसे आगमन हुआ? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर, पुत्र, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। छल? हाँ पुत्र, बेल का वह पेड़ असल में परियों की राजकुमारी बेल परी है, जो एक साधु के श्राप की वजह से यह कष्ट भोग रही है, और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रखवाली एक राक्षस करता है। ओ, लेकिन महाराज, उस परी को अब मुक्ति कैसे मिलेगी? जब कोई मानव उस बेल फल को छुएगा तभी वह साप मुक्त होगी। ओ, तुम एक बात और नहीं जानते वत्स, तुम्हारी भाभी मनुष्य नहीं राक्षसी है, और उसी राक्षस की बहन है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ वत्स। सिर की पीड़ा का बहाना करके वह अपने भाई को मानव भोजन पहुंचाती है और अपने दुश्मनों से छुटकारा पाती है। तो यह बात है। कुंवरदेव सारी बात समझ चुका था। तुम्हें भी उसने इसलिए भेजा है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं यह नामुमकिन है महाराज। अब मैं पीछे नहीं लौट सकता, कृपया आप मुझे राक्षस को समाप्त करने की विधि बताइए। बेलफल के परी में बदलते ही राक्षस मूर्छित हो जाएगा, और तब तुम आसानी से उसका वध कर सकते हो। मैं उसे मारकर ही लौटूंगा महाराज, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उसे तू मारेगा तो तब, जब तू जिंदा बचेगा बेवकूफ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। राजकुमार क्या जानता था कि साधु के वेश में यह वही राक्षस था जिसे वह मारने की बात कर रहा था। बड़ा हष्टपुष्ट है, इसका मांस खाकर बड़ा मजा आएगा। उसने कुरुदेव को पूरी तरह अपने विश्वास में ले लिया था। भोजन कर लिया वत्स? जी महाराज। अब तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें अन्नकूट पर्वत के पास पहुंचा दूंगा। जो आज्ञा महाराज, कल देखूंगा उस राक्षस को। सुबह होने पर, बेटा आज भी मुहूर्त ठीक नहीं है, हम कल चलेंगे। यही बात इसने कल भी कही थी। और फिर जब उसने अगले दिन भी साधु ने उसे टाल दिया तो कुरुदेव को आभास हो गया कि साधु उसे बहला रहा है।
आज मैं एक अति आवश्यक कार्य से नगर में जा रहा हूँ और कल अवश्य चलूंगा। हो जाने से पहले उसने राजकुमार को कुछ हिदायतें दी। वत्स बोलकर भी उस खंडर महल में मत चले जाना, वह जगह शापग्रस्त है। तुम वहां गए तो मैं किसी भी अनिष्ट का जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा महाराज। लेकिन साधु के जाते ही कुरुदेव का दिमाग सक्रिय उठा। साधु ने मुझे खंडर महल में जाने से क्यों रोका? जरूर इसमें कोई भेद है। अगर खंडर महल शापग्रस्त है तो वह सवय उसमें क्यों आता जाता है? काफी देर सोचने के बाद उसने खंडर महल में जाने का निश्चय किया। खंडर महल का भेद जानना जरूरी है। क्या पता वह खंडर महल बेलपरी से संबंधित हो। उसे मालूम हो चुका था कि खंडर महल की चाबियां साधु कहाँ रखता था। अरे ये तो 7 चाबियां हैं। कुछ ही देर बाद महल में घूमता घामता वह एक ऐसी राहदारी में पहुंचा जिसके दोनों ओर 7 कमरों के दरवाजे थे। उन दरवाजों में बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। यह चाबियां इन्हीं कमरों के तालों की होगी। एक एक को खोल कर देखता हूं। पहला कमरा खोलते ही, अरे इसमें तो अनाज की बोरियां भरी हुई हैं। फिर उसने दूसरे कमरे का ताला खोला, इतने मूल्यवान वस्त्रों का भंडार। फिर वह तीसरे कमरे में पहुंचा, हे भगवान इतने सारे हथियार, ये तो पूरी सेना के काम आ सकते हैं। इस तरह एक एक करके कमरा खोलता राजकुमार आगे बढ़ता रहा। किसी में सोना चांदी था तो किसी में हीरे जवाहरात। अंत में कुरुदेव 7वें दरवाजे पर पहुंचा। देखे इस कमरे में क्या निकलता है। जैसे उसने दरवाजा खोला उसके ऊपर एक नरकंकाल आ गिरा। तब उफ, फिर अंदर का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। हे ईश्वर, इस कमरे में तो कंकाल ही कंकाल भरे हैं। एकाक सारे कंकाल हंसने लगे। हा, यह क्या माया है, कहीं मैं भूतों के चक्कर में तो नहीं फंस गया। कुरुदेव डरपोक नहीं था। जब उसने देखा कि कंकाल हंसने के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो अपनी तो उसकी जान में जान आई और उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और हंस क्यों रहे हो? तेरी नादानी पर हंस रहे हैं। तू मूर्ख है। हम भी कभी तेरी तरह इंसान थे। हम भी कभी तुम्हारी तरह बेल फल की तलाश में निकले थे और इस साधु के चक्कर में फंस गए थे। असल में यह साधु उसी झील का राक्षस है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं राजकुमार, तुम भी हमारी तरह कंकाल बन जाओगे। तो यह बात है, वह इसलिए मुझे रोज टाल रहा था। हकीकत जानने के बाद राजकुमार बेहद चिंतित तो उठा था। उस दूरत से बचने का कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ। कोई रास्ता नहीं है, वह बहुत चालाक और ताकतवर है। तुम्हारी भी यही दशा होगी जो हमारी हुई है। लेकिन राजकुमार इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं था। वह मुझे कंकाल कैसे बनाएगा? हाँ यह हम बता सकते हैं। सुनो, इस खंडर महल के बाहर एक बहुत बड़ा अलाव है। उस पर एक विशाल का कड़ा चढ़ा हुआ है। वह राक्षस इस समय तेल लेने गया है। बस तेल खोलते ही वह धोखे से तुम्हें उस कड़ाई में डाल देगा। फिर तुम्हें तलने के बाद तुम्हारे शरीर का सारा मांस खाकर तुम्हारा कंकाल इस कमरे में फेंक देगा। मैं कंकाल नहीं बनूंगा दोस्तों। और फिर राजकुमार सारे कमरे बंद करके अपने बचाव का रास्ता खोजता हुआ बाहर वापस कुटिया की ओर चल लौट पड़ा। साधु तो गया हुआ है, मैं यहां से भाग जाऊं तो वह मेरा क्या कर लेगा? लेकिन अगले पल, नहीं मैं कार नहीं हूं, उस दुष्ट को सजा दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। मन ही मन कोई निर्णय कर वह सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो साधु उसके सामने था। वह उसके अष्टपुष्ट शरीर को बड़ी ललचाई नजरों से देख रहा था। उसे आंखें खोलता देख साधु सकपका गया था और उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी थी। शीघ्र ही वह अपने मतलब की बात पर आ गया। आज हम अन्नकूट पर्वत पर अवश्य चलेंगे वत्स, पर पहले एक काम कराओ। कैसा काम महाराज? खंडर महल के आंगन में एक कढ़ाई में तेल है, उसे देख कर आओ कि वह खोल रहा है या नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे नहीं मालूम कि तेल खोलता कैसे है। अरे क्या तुमने कभी खोलता तेल नहीं देखा? कैसे देखता महाराज, मैं ठहरा राजकुमार। राजकुमार ने उसी का जूता उसके सर पर मारने का निश्चय किया था। आप मेरे साथ चलकर एक बार बता दीजिए, फिर जब तक तेल नहीं खोलेगा मैं देखता रहूंगा और तेल खोलते ही आपको बता दूंगा। यह भी ठीक है, आओ मेरे साथ। चालाक साधु खुद अपने जाल में फंस गया था। तलने के बाद इसका मांस कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। आज तक तूने दूसरों को तला है, आज जब तू खुद तला जाएगा तब तुझे पता चलेगा। शिगरी, देखो राजकुमार तेल ऐसे खोलता है। आओ राजकुमार, क्या सोचने लगे? राजकुमार लापरवाह सा साधु की ओर बढ़ा और उसे अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। दूरत ले देख
तेल कैसे खोलता है। अगले पल स्पार्क, खोलते तेल में गिरते साधु अपने असली रूप में आ गया और बुरी तरह तड़पने लगा। आ राक्षस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका और उसका प्राणांत हो गया। राक्षस के मर जाने से राजकुमार ने चैन की सांस ली, यह तो बड़ी आसानी से मर गया। तभी दरवाजा खोलो राजकुमार, दरवाजा खोलो। अरे यह आवाजें तो कंकालों वाले कमरे की ओर से आ रही हैं। राजकुमार भागकर वहां गया और फिर जैसे ही उसने ताला खोला वह सुखद आश्चर्य से भर गया। अरे आप लोग कौन है और वे कंकाल कहाँ गए। हम ही वह कंकाल थे राजकुमार, राक्षस के मरते ही हम जीवित हो गए। यह जीवन आपकी देन है राजकुमार, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे शर्मिंदा न करो मित्रों, जीवन देने वाला तो ईश्वर होता है और उसी ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम महान हो राजकुमार, अब आप लोग अपने घर जाइए, आपके परिवारजन आपको जीवित देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं राजकुमार, हम भी आपके साथ जाएंगे। नहीं भाइयों नहीं, यह कार्य मुझे अकेले को ही करना होगा। फिर राजकुमार ने उन सबको समझा बुझाकर उनसे विदा ली। राक्षस मारा गया, बेलपरी तक पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। रानी को मालूम हो चुका था कि उसका भाई मारा जा चुका है, अतः उसने खतरनाक चुड़ैल को जो महल में उसकी खास दासी के रूप में रह रही थी अपने पास बुलाया और कुछ देर तक उसे कुछ समझाती रही। फिर समझ गई न, वह जीवित नहीं बचना चाहिए। जो आज्ञा महारानी जी। फिर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आकाश मार्ग से अन्नकूट पर्वत की ओर उड़ चली। उधर राजकुमार किसी तरह के खतरे से अनभिज्ञ अन्नकूट पर्वत पर जा पहुंचा था। पर्वत तो आ गया, अब झील ढूंढनी पड़ेगी। काफी देर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई पड़ी, वो वह रही झील। मुझे बिना कोई देर किए बेल फल तोड़ लेना चाहिए। वह झील में कूद पड़ा और तैरता हुआ दूसरे किनारे तक जा पहुंचा। कुछ ही क्षण बाद वह रहा बेल फल। भाभी श्री का मुझे मरवाने का यह षड्यंत्र तो अब असफल हो गया। ठीक उसी समय रानी की भेजी हुई चुड़ैल वहां आ पहुंची। वो अब इसे मारना बहुत मुश्किल है, इसे किसी तरह फल से अलग करना पड़ेगा। राजकुमार पुनः झील पार कर अपने घोड़े पर सवार होकर सुंदरगढ़ की ओर चल पड़ा। अगर यह सही सलामत सुंदरगढ़ पहुंच गया तो मेरी खैर नहीं। अगले पल वह चील बनकर तुरंत उसका पीछा करने लगा। बेल फल को इससे कैसे अलग करूं। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, कोई उचित स्थान देखकर विश्राम करना चाहिए। लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। शिगरी राजकुमार को नींद ने आ दबोचा। खर राजकुमार के खराटों की आवाज सुनते चुड़ैल रूपी चील एक सुंदर स्त्री बन गई। यही मौका है वह बेल फल प्राप्त करने का। अभी वह बेल फल हासिल करने की कोई युक्ति सोच ही रहा था कि तभी वहां जैसे चमत्कार हो गया। थप। अगले क्षण वह बेल फल फट गया और उसमें से बेहद सुंदर परियों की राजकुमारी निकल आई। ओ यह तो गजब हो गया। चुड़ैल उस रास्ते से हटाने की तरकीब सोचने लगी। इसे किसी तरह समाप्त करना होगा। शीघ्र ही उसकी समझ में एक तरकीब आ गई तरकीब। अगले पल उसने एक कमजोर बुढ़िया का रूप बनाया और परी राजकुमारी के पास जा पहुंची। बेटी मैं मर रही हूं, भगवान के लिए मेरी मदद करो। ओ उसकी करुण पुकार सुनकर, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ बूढ़ी माँ। मैं बहुत प्यासी हूँ, पेड़ के पीछे कुआ है लेकिन मैं पानी नहीं भर सकती। परी राजकुमारी उसके जाल में फंस गई। यह कौन सी बड़ी बात है अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए जल लाती हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी। बुढ़िया बनी चुड़ैल भी परी राजकुमारी के पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गई और जैसे परी राजकुमारी ने कुएं में झांका बुढ़िया ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। बेवकूफ चली थी रानी बनने। अपने काम से निपटने के बाद वह बेसुध सोते राजकुमार के पास पहुंची। हा हा अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आई। इसे तो मैं कभी भी खा सकती हूँ, क्यों न इसे उल्लू बनाकर कुछ दिन राजसी सुखी भोग लूं। और फिर अगर मैंने थोड़ी बुद्धि से काम लिया तो इसे मारकर खुद रानी बन सकती हूँ। यह सोच उसने मंत्र बल से परी राजकुमारी का रूप धारण किया और पेड़ के नीचे बैठ गई। अगले दिन सुबह जब राजकुमार नीचे उतरा तो परी राजकुमारी को देखकर चौंक उठा। अरे तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। मैं बेल परी हूँ राजकुमार। ओ बेल परी, आपने मेरा उद्धार किया इसलिए आपके सोते समय मैं आपकी रक्षा कर रही थी। अब पूर्व सुंदरी बेल परी को देख कुबेरदेव बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में कुछ शंकाएं भी थी। तुम तो बेल के रूप में थी, फिर स्त्री कैसे बन गई।
आपके द्वारा फल को छूते ही मैं शाप मुक्त हो गई थी। तब तो तुम्हें उसी समय बेल परी के रूप में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, मैं तब भी अपने असली रूप में आ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यह काम मैं आपके राज्य पहुँच कर करूँगी, पर आपके सोने की वजह से मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। और एक बात और भी है राजकुमार। कौन सी बात? चुड़ैल ने अपनी चाल चलनी शुरू की। तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी राक्षसी है और उसी राक्षस की बहन है जिसे तुमने मारा है। मुझे मालूम है। कैसे? उसके भाई यानी उस राक्षस ने मरने से पहले मुझे सबक बताया था। वह मुझे देखकर तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगी, कहेगी मैं बेलपरी नहीं चुड़ैल हूँ, उसकी दासी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। राजकुमार को अपने वश में करके चुड़ैल बहुत खुश थी। अब आएगा आनंद। भैया, भाभी की हकीकत कभी नहीं स्वीकारेंगे, मुझे ही उसे खत्म करना होगा। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर सुंदरगढ़ की ओर चल पड़े। तुम उसकी कोई बात सुनने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर देना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस महाराज की चिंता है, उन्हें बहुत दुख होगा। और फिर सुंदरगढ़ पहुंचने पर राजकुमार की जय हो, बहू तो बहुत सुंदर लाया है राजकुमार। राजकुमार बेलपरी के साथ सीधा दरबार में पहुंचा। महाराज, ये परियों की राजकुमारी बेलपरी है, राक्षस को मारकर मैंने इसका उद्धार किया है। कुरुदेव, मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई, आपकी आज्ञा हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। आज्ञा है। राजकुमार बेलपरी को लेकर महल में पहुंचा। प्रणाम भाभी श्री। प्रणाम। यह बेलपरी है भाभी श्री, महाराज ने मुझे इससे विवाह करने की आज्ञा दी है। रानी राजकुमार की बात सुनकर गुर्रा उठी। बेवकूफ लड़के, यह चुड़ैल है, तुझे खा जाएगी। बेलपरी ने ठीक कहा था, इसका सिर धड़ से अलग करना ही होगा। और फिर इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, तू रानी नहीं बल्कि राक्षसी है, उस राक्षस की बहन जिसे मैं मार कर आ रहा हूं। हाँ, गर्दन कटते रानी अपने असली रूप में आ गई थी। यह सूचना जब सुंदरदेव तक पहुंची तो वे ठगे से रह गए। महाराज, युवराज ने रानी को मार डाला और मरते ही वह राक्षसी बन गई है। और रानी राक्षसी थी। राक्षसी, राक्षसी। वे तुरंत महल में पहुंचे। महाराज, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करता। कहकर राजकुमार कुरुदेव ने सुंदरदेव को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है कुरुदेव, तुमने तो एक अच्छा काम किया है। इस राक्षसी ने अनजाने में मुझसे बहुत पाप करवाए हैं, मुझे पारिश्रित करना होगा। ओ, उन्होंने तुरंत दरबार में पहुंचकर घोषणा की, बेलपरी से विवाह के फौरन बाद युवराज कुरुदेव का राजभिषेक होगा और उसी दिन मैं अपने मन की शांति के लिए वन को चला जाऊंगा। अब आएगा मजा। हो थोड़े दिनों के बाद सुमुहूर्त में बेलपरी बनी चुड़ैल से कुरुदेव का विवाह हो गया। अगले दिन कुरुदेव का राज्याभिषेक हुआ। महाराज कुरुदेव की जय, महारानी बेलपरी की जय। पहले तो रानी की जूठन मिलती थी, अब रोजाना ताजा शिकार करूंगी और मजे से खाऊंगी। उधर उस कुएं में जिसमें बेलपरी को धक्का देकर चुड़ैल ने गिरा था, एक सुंदर बेल का पेड़ निकला था जिसमें सिर्फ एक ही बेल फल लगा था। एक दिन जब एक साधु कुएं पर पानी पीने आया तो वो, यह तो कोई अभिषिक्त परी है, फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान लिया था। तो यह बात है, वह चुड़ैल बेलपरी की जगह खुद सुंदरगढ़ की रानी बनी बैठी है। मुझे इस बेल फल को सुंदरगढ़ पहुंचाना होगा। और अगले दिन सुबह सुंदरगढ़ में, महाराज, एक साधु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। साधु? उन्हें आदर से ही तंदर ले आओ प्रहरी। और फिर जैसे साधु दरबार में आया, चुड़ैल घबरा उठी। प्रणाम महाराज, आपके चरण स्पर्श से हमारा महल धन्य हो गया, चिरंजीव रहो वत्स। इसके हाथ में यह बेल फल कैसा? साधु राजा के सत्कार से बहुत खुश हुआ। दीर्घायु और राजन, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें एक उपहार देता चलूं, आपका आशीर्वाद ही बहुत है महाराज। वह तो है ही, लेकिन साथ में मैं यह चमत्कारी बेल फल भी लाया हूँ, इसे छूते ही तुम्हें असीम सुख प्राप्त होगा। ओ, चमत्कारी बेल फल का जिक्र सुनते रानी का माथा ठनका। ठहरो स्वामी, मुझे तो यह कोई दुर्त नजर आ रहा है जो आपका अनिष्ट करना चाहता है। यह तुम क्या कह रही हो रानी? रानी एकदम ठीक कह रही है वत्स। क्या मतलब महाराज? निष्ठ तो होगा राजन, लेकिन तुम्हारा नहीं बल्कि रानी का, तभी तो यह तुम्हें रोक रही है। यह बकवास कर रहा है, तुम्हारी रानी का अपमान कर रहा है, इसे मार दो। फिर वह पास खड़े सेनापति की तलवार खींचकर साधु की ओर झपटी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कपटी साधु, यह क्या पागलपन है प्रिय? रानी बेल फल को देखकर पागल हो गई राजन, क्योंकि आप द्वारा इसे छूते ही इसका सारा भेद खुल जाएगा।
भेद कैसा भेद? यही कि यह बेलपरी नहीं बल्कि चुड़ैल है। असली बेलपरी तो इस बेल फल के अंदर बंद है। नहीं, यह झूठ है। वो दादा संकेत तो उठा था, तो उसने रानी के मना करने के बाद भी बेल फल को छू दिया। बेल फल फट गया। बेल फल से निकलती बेलपरी से मिलती जुलती दूसरी बेलपरी है। महाराज, असली बेलपरी मैं हूं। इस औरत ने मुझे धोखे से कुएं में धकेल दिया था। कुंवरदेव अब सारा मामला समझ चुका था। मैं सैनिकों से बोला, गिरफ्तार कर लो इस दुष्टा को। अपना भेद खुलते देख चुड़ैल ने भागने की कोशिश की, लेकिन बचने का कोई रास्ता न देख चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। मैं सबको कच्चा चबा जाऊंगी। हो, लेकिन तभी साधु ने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे चुड़ैल की ओर उछाल दिया। अभिमंत्रित किया हुआ जल चुड़ैल पर पड़ते ही, ओम शिव, तूने बहुत पाप किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। नहीं, उसके शरीर में आग लग गई, मर गई, बचाओ। भैया की तरह मैं भी धोखा खा गया था। चुड़ैल के समाप्त होते सब ने चैन की सांस ली। आज से सुंदरगढ़ राक्षसों के चंगुल से मुक्त हुआ। अब जब तक बेलपरी जीवित है, कोई राक्षस इधर को मुंह भी नहीं करेगा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। साधु ने अपने सामने ही बेलपरी और कुरुदेव का विवाह करा दिया। फिर एक दिन साधु वहां से प्रस्थान कर गया। राजा कुरुदेव बेलपरी के साथ आराम से अपनी जिंदगी सुखपूर्वक बिताने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना।